सो हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है या रिसेट हो जाता है तो आपको जीमेल अकाउंट कैसे रिकवर करना है। देखो, इस टॉपिक पे मैंने एक साल पहले वीडियो बनाया था और मेरा मोबाइल उस समय खो गया था। उसके बाद मैंने अपना जीमेल अकाउंट, ये जिस चैनल पर आप देख रहे हो ये भी उसी मोबाइल में लॉगिन था, तो मैंने कैसे अपना जीमेल अकाउंट रिकवर किया था, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊँगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप लोग तुरंत लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप करते हुए देखिएगा, ठीक है? अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊँ मैंने अपना जीमेल अकाउंट कैसे रिकवर किया, ये चैनल कैसे रिकवर किया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, मैं उस समय पासवर्ड बिल्कुल नहीं भूला था। मुझे पासवर्ड एक्यूरेट याद था, मैंने उसको एक डायरी में लिख के रखा हुआ था, ठीक है? तो पासवर्ड सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मेरा पासवर्ड एग्जैक्ट पासवर्ड क्या है। अगर आप गलत पासवर्ड डाल देंगे तो आपके अकाउंट में रिकवर होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी फिर, ठीक है? अब सेकंड नंबर क्या आता है कि आपके पास मोबाइल नंबर उसमें लिंक होना चाहिए और लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए था। अगर आपके मोबाइल में अगर लिंक्ड है, नंबर लिंक है, तब भी आपका जीमेल अकाउंट रिकवर हो जाएगा, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरा स्टेप मैंने ये था, ठीक है? और इन द लास्ट द थर्ड स्टेप कि मैंने टू स्टेप वेरीफिकेशन ऑन नहीं किया था। टू स्टेप वेरीफिकेशन ऑन करना कभी कभी क्या होता है, लाभ भी हो जाता है कभी कभी, कभी कभी लॉस भी हो जाता है। लॉस कैसे होता है? लॉस तब हो जाता है जब आप अल्टरनेट ईमेल आईडी, जब आप रिकवरी ईमेल जो है उसी मोबाइल में रखे रहेंगे तब आपको यहाँ पे लॉस हो जाता है। अगर आपका फ़ोन गायब हो जाएगा तो आप सारी जीमेल चली जाएगी, सारी डेटा चला जाएगा, आप अकाउंट जो है रिकवर नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो इस केसेस में मैं क्या कर रखा था कि मैं रिकवरी ईमेल नहीं लगाया था, सिर्फ मैं पासवर्ड डाला, मोबाइल नंबर पे कोड आया, उस कोड को डाला और मेरा जीमेल अकाउंट रिकवर हो गया। तो ठीक है, इस तरीके से मैंने रखा था। अगर आप भी ये चीज़ें किए होंगे तो आपका जीमेल अकाउंट बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। अगर आपने रिकवरी ईमेल या रिकवरी नंबर रखे रहोगे तो रिकवरी ईमेल से नंबर से क्या होता है कि रिकवरी नंबर पे कोड जाता है, आप रिकवर कर लेते हैं। नंबर क्या होता है, आप किसी भी जिस भी कंपनी का नंबर होगा आप उसके ऑपरेटर में जाएंगे, स्टोर पे जाएंगे तो आप नंबर ले सकते हो, बट ईमेल आप जो है उस ईमेल को नहीं ला सकते हो जो आपके उस डिवाइस में रखे थे। या किसी एक काम आप ऐसे कर सकते थे कि जो रिकवरी ईमेल लगाए हैं उसमें आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन मत करिए, और जिसमें आप वो लगाए हैं आपका जो मेन जीमेल है उसमें आप टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जो रिकवरी ईमेल है उसको आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे पासवर्ड डाल के, ठीक है? पासवर्ड तो मस्ट है, पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। और रिकवरी ईमेल पे आपके कोड जाएगा तो आप उसको लॉगिन करके वहाँ से कोड लेके सिंपली आप लॉगिन कर सकते हैं अपना अकाउंट। तो ये सारी स्टेप्स हैं, कुछ टिप्स हैं, मैं आप सबको बताता हूँ। आप मुझे फॉलो करोगे तो मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दूंगा और आप इन फ्यूचर में भी ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं और आप अपना जीमेल अकाउंट सिक्योर कर सकते हैं। एक मतलब आपको इस साथ प्रोटेक्टेड जीमेल होना चाहिए जिसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रहे, और एक आप सिंपली ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये था इस टॉपिक पे कंप्लीट वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।